harmonic motion and waves. ये कोट है मैडम क्यूरी की। मेरा नाम मैरी क्यूरी है, मैं वो पहली खातून हूँ जिसने फिजिक्स में डिग्री ली, जिसने फ्रांस से ग्रेजुएशन किया, जिसको नोबेल प्राइज मिला, पहली साइंसदान जिसको दो नोबेल प्राइज मिले, जिसने सोर्बोने में सरबराही की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैडम क्यूरी के लेक्चर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन में खुश आमदीद। जब कोई जिसम एक पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी मोशन को दोहराता है तो इसकी मोशन को ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक खास किस्म है। क्या आप बता सकते हैं कि इंसानी कान एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर सकता है? जी हाँ, इंसानी कान का एयर ड्रम एक सेकंड में करीबन 20,000 दफा आगे पीछे वाइब्रेट कर सकता है। आज के टॉपिक में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम खसूसियात और ऐसे अजसाम पर बहस करेंगे जिनकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें दर्ज झेल हैं। नंबर 1, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस का मोशन। नंबर 2, बॉल के अंदर पड़े हुए बॉल की मोशन। नंबर 3, रस्सी से बंधी हुई गोली यानी बोब की मोशन। इन सब को बारी बारी बयान करने से पहले आइए ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ पेंडुलम। गैलीलियो ने सबसे पहले 19 साल की एज पे पेंडुलम की मोशन को चर्च में ऑब्जर्व किया। उसने चैंडेलियर की स्विंगिंग को देखकर पेंडुलम की लेंथ और उसकी मोशन को प्लॉट किया। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ऐसे बयान करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट पे अपनी मोशन बार बार रिपीट करता है तो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जब एक इंसेक्ट वेब में आता है तो ऑसिलेशन पैदा होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ऑसिलेशन की वजह से ही इंसेक्ट स्पाइडर के वेब में पकड़े जाते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम स्प्रिंग मैस सिस्टम से भी बयान कर सकते हैं। इसमें दो फोर्सेस दिखाई गई हैं, फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो कि अपवर्ड फोर्स है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड फोर्स है। जब स्प्रिंग स्ट्रेस्ड होगा तो नेट फोर्स पैदा होगी। जब मैस इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो नेट फोर्स जीरो होगी और जब मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तो नेट फोर्स डाउनवर्ड होगी जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी। हम देख रहे हैं कि मैस अपनी जगह मीन पोजीशन से कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। जिस तरफ से स्प्रिंग अटैच्ड है वहां पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि फोर्स ऑपोजिट तरफ से लगाई गई है। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से शो किया गया है जिससे ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। यहाँ पर फोर्स एफ जीरो होगा और एक्स इक्वल है जीरो होगा। हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स एफ स्प्रिंग की लेंथ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर के कांस्टेंट है, एफ इक्वल है के एक्स और अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाए तो एफ इक्वल है माइनस के एक्स होगा। अब इस फॉर्मूले को न्यूटन लॉ से कंपेयर करेंगे, एफ इक्वल है एम ए। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, एम ए इक्वल है माइनस के एक्स, देन ए इक्वल है माइनस के ओवर एम एक्स, यानी कांस्टेंट अगर हम ना शो करें तो ए इक्वल है माइनस एक्स, यानी जितनी बार डिस्प्लेसमेंट होगी उस टाइम पे एक्सेलरेशन भी होगी। अब हम ये देखेंगे कि एनर्जी कैसे मैस सिस्टम में एक दूसरे में तब्दील हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो ड्यूरिंग मोशन एक ऑब्जेक्ट गेन करता है। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो ऑब्जेक्ट उसकी हाइट और पोजीशन की वजह से गेन करता है। यहाँ पर डबल एरोस को हमने इंटरकन्वर्जेंस से शो किया है। सबसे पहले हम स्प्रिंग मैस सिस्टम में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के रोल्स बताएंगे। जब मैस पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है।
यानी जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी, और जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे देखेंगे वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। फिर जब हम प्लेसमेंट पोजीशन से वापस आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। अब तमाम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसी तरह सिस्टम में एनर्जी हर पोजीशन पे कंजर्व रहेगी। क्या आप जानते हैं मकड़ी अपने जाल के वाइब्रेशन के जरिए अपना शिकार तलाश करती है, स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मैस का मोशन। आइए इस मोशन को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। हाय, मेरा नाम एंडरसन है और ये एपी फिजिक्स एसेंशियल की वीडियो नंबर 44 है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में है। तसव्वुर करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि हालत तवाजुन में है, और अगर हम इसे धक्का दें तो ये ना सिर्फ आगे की तरफ जाएगा बल्कि एक रिस्टोरिंग फोर्स इसे वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर आएगी, और इस तरह एक और रिटर्निंग फोर्स है जो इसे इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर आती है, और इस तरह हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हासिल होती है। अब एक बच्चे की झूले पर झूलने की मिसाल क्या होगी, तो हम एपी फिजिक्स में दो मिसालें करेंगे। एक तो मैस स्प्रिंग ऑसिलेटर है, तो ये ऊपर नीचे इस तरह बाउंस होगी, या एक पेंडुलम जो आगे पीछे झूलेगा, लिहाजा तवाजुन या इक्विलिब्रियम यहाँ बिल्कुल दरमियान में होगा। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो जो कि रिस्टोरिंग फोर्सेस के जेरे असर इक्विलिब्रियम की तरफ हरकत कर रहा हो, तो हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो हमारे पास दो मिसालें हैं जिनके बारे में हम एपी फिजिक्स में बात करेंगे। अब इनमें से हर एक की खसूसियत इसकी हार्मोनिक मोशन का पीरियड है। पीरियड को हमेशा सेकेंड्स में मेजर किया जाता है, और ये वक्त होता है। तो एक ऑसिलेटिंग फोर्स को यहाँ तक हरकत करने में जितना वक्त लगता है, या ऊपर और फिर नीचे बाउंस करने में जितना वक्त लगता है, या फिर एक पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक झूलने में जितना वक्त लगता है, उसको पीरियड कहते हैं। तो एक मैस स्प्रिंग ऑसिलेटर का पीरियड किस तरह बढ़ाया जा सकता है? सबसे आसान तरीका महज मैस का बढ़ा देना है। जैसा कि हम स्प्रिंग से लटका हुआ मैस बढ़ा दें तो पीरियड भी बढ़ जाएगा। और हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ स्प्रिंग की सख्ती या स्टिफनेस को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम इसे ज्यादा स्टिफ करते हैं, इसका पीरियड कम हो जाता है। पेंडुलम के बारे में सोचें, हम इसका पीरियड कैसे बढ़ाते हैं? हम सिर्फ पेंडुलम की लंबाई चेंज कर देते हैं। अब पेंडुलम के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसको मैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम पेंडुलम का पीरियड कम किस तरह करते हैं? तो इसके लिए आपको इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बदलना होगी। अगर हम ये फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो पीरियड कम हो जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की दोनों तरह की फोर्सेस के साथ आपको किसी भी वक्त ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और ये मालूम करना आना चाहिए कि किस वक्त ये मैक्सिमम होगी और किस वक्त मिनिमम होगी। आए इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखते हैं। ये वाली स्प्रिंग के हॉरिजेंटल है, तो हम इसकी मोशन को देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम बिल्कुल यहाँ दरमियान में होगा। तो अगर मैं इसको इस तरह खींचूं तो स्प्रिंग में इस जगह तनाव आ जाएगा और ये दाएं तरफ खींचेगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स इसको इक्विलिब्रियम की तरफ हरकत देगी। अब ये उस सिम्त में हरकत करने लगा है। अब ये दूसरा स्प्रिंग इसको इक्विलिब्रियम की तरफ हरकत देगा, ये इस तरह। तो इस सब से हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हासिल होगी। इसकी सबसे खास बात क्या है? इन LEDs के साथ एक एक्सेलरेशन है, तो आप इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके मिडल में एक्सेलरेशन नहीं है। तो लिहाजा आपको इस किस्म की वीडियो या प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए? आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकें कि वो किस वक्त मैक्सिमम और किस वक्त मिनिमम हो। तो आए इस सिनेरियो को इस्तेमाल करते हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट को बाएं तरफ खींचूंगा और इसको जाने दूंगा। तो इस पॉइंट पर, बिल्कुल इस जगह जब ये हरकत करने लगेगा, तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी? ये बाएं जानी मैक्सिमम होगी, और इसी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? ये मिनिमम या जीरो होगी। और एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इस जगह दाईं तरफ मैक्सिमम होगा, इस जगह एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। आए एक सेकंड को इसे जाने देते हैं। मैं इसको यहाँ दरमियान में पॉज करूंगा। हमारी वेलोसिटी क्या है? अब इसको एक्सेलरेट किया गया है और इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। इस जगह एक्सेलरेशन क्या है? जब ये दरमियान में होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। आए एक बार फिर इसे जाने देते हैं। ये इस साइड हरकत करेगा। अब हमारी पोजीशन दाएं जाने मैक्सिमम है
और वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है? ये फिर जीरो है और एक्सेलरेशन बाएं जानिब मैक्सिमम होगा। आए इस PET सिमुलेशन की मदद से इस मैथ स्प्रिंग ऑसिलेटर के साथ एक तजर्बा करते हैं। आए देखते हैं कि किस तरह मैथ्स और स्प्रिंग का तनाव पीरियड पर असरअंदाज होते हैं। मैं ये वजन इधर रखता हूँ और फिर हम इसका पीरियड क्वालिटेटिवली मेजर करेंगे। तो ये इसका पीरियड है और इसका मैस 50 ग्राम है। आए अब इस पर 100 ग्राम मैस रखते हैं और फिर इसका पीरियड चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता हो रहा है। अब अगर इसमें मजीद इजाफा कर दें, आए इसको 250 ग्राम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम स्प्रिंग पर मैस ज्यादा कर दें तो इसका पीरियड बढ़ जाता है। आए अब एक तजर्बा स्प्रिंग के तनाव के साथ करते हैं। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। मैंने इसको पहले से ज्यादा स्टिफ कर दिया है। मैंने ये 250 ग्राम मैस इस पर रखा है। आप देख सकते हैं कि इसका पीरियड कम हो रहा है। लिहाजा स्प्रिंग के तनाव को बदलने से हम पीरियड को कम या ज्यादा कर रहे हैं। अब आए स्प्रिंग के तनाव को कम कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका पीरियड बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसका खुलासा यह है कि हमने इस तजर्बे से क्या सीखा कि अगर आप मैस बढ़ा दें तो इसका पीरियड भी बढ़ जाता है। तो इस हार्मोनिक मोशन के लिए अगर हम इसकी स्टिफनेस को बढ़ाते हैं तो यह कम हो जाता है। अगर हम इसको क्वांटिटेटिवली देखें और अगर हम इस स्प्रिंग का असल पीरियड देखें इस तरह, इसको क्या चीज इफेक्ट कर रही है? दो चीजें, एक मैस और दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं, इसको अलजबरा के हिसाब से देखें। अगर हम मैस बढ़ा दें तो क्या होगा? पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि ये न्यूमिरेटर में है। अब अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट को बढ़ा दें तो क्या होगा? तो ये जितना तनाव में आएगा ये नंबर डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा, तो हम देखेंगे कि पीरियड कम हो जाएगा। आए इस पेंडुलम को PET सिमुलेशन में दोबारा देखते हैं। तो मैं इसको इस तरफ हरकत दे रहा हूं और इसको 30 डिग्री के जाविये से छोड़ूंगा और यहां छोटा सा फोटोगेट टाइमर है। तो मैं इसका वक्त देख सकता हूं जो ये अपनी असल हालत तक आने में लेगा। तो हम देख सकते हैं कि इसका पीरियड 2.862 है। अब मैं इस पेंडुलम की लंबाई कम कर दूंगा और सेम एंगल से इसको ड्रॉप करूंगा। आप देखेंगे कि अब इसका पीरियड कम होगा। ये 2.415 है। आए अब मैं इसे और कम कर देता हूं। मैं इस वजन को 30 डिग्री के जाविये से फेंकूंगा। मैं इस फोटो टाइमर को सेट कर लूं। अब पीरियड कम होगा। जैसा कि हम लेंथ को कम करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और पीरियड कम हो जाएगा। अब देखें क्या होगा जब मैं इसका मैस चेंज करूंगा, 30 डिग्री के जाविये से ड्रॉप करूंगा और फोटोगेट टाइमर को सेट करूंगा। तो आप देखेंगे कि इससे इसके पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि यह ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। आए अब मैं इसको मून पर चेंज करता हूं। आप देख सकते हैं कि पीरियड बढ़ रहा है और ये आहिस्ता हो रहा है। मैं इसको जमीन पर बदलता हूं। अब इसकी रफ्तार बढ़ रही है। क्या होगा अगर हम इसे जुपिटर पर करें? इसकी स्पीड बढ़ रही है और अगर हम कुछ ना करें तो ये इस तरह हरकत करता रहेगा। तो अगर हम इसको क्वांटिटेटिवली देखें या बल्कि क्वालिटेटिवली देखें, अगर हम इसकी लंबाई बढ़ा दें तो पीरियड लंबा हो जाता है और अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो पीरियड कम हो जाता है। अगर हम इसको अलजेब्रा के हिसाब से देखें तो इस मुसावात में लंबाई टॉप पर होगी। याद रखें जब हम लंबाई में इजाफा करेंगे तो हम इस पेंडुलम के पीरियड को बढ़ा रहे हैं। और क्या होगा अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दें? तो इस पेंडुलम का ओवरऑल पीरियड कम हो जाएगा। तो क्या आपने ये प्रिडिक्ट करना सीखा कि कौन सी प्रॉपर्टीज सिंपल हार्मोनिक मोशन पर असरअंदाज होती हैं? फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको इक्विलिब्रियम की तरफ ला रही है। क्या आप ये जानने के लिए कि पीरियड पर कौन सी खसूसियात असरअंदाज हो रही हैं कोई चीज डिजाइन करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? स्प्रिंग में तो ये मैस है और स्प्रिंग की स्टिफनेस। अगर हम पेंडुलम को देखें तो ये लंबाई और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। और आखिर में आप क्वालिटेटिवली देख सकते हैं कि अगर हम लंबाई बढ़ा दें या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सब फायदेमंद। क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप बता सकते हैं F=-KX बयान किए गए फॉर्मूला में K किसको जाहिर करता है? जी हाँ, K की मिकदार स्प्रिंग के सख्तपन की पैमाइश है।
आपके ख्याल में स्प्रिंग सख्त हो तो केक की मिकदार क्या होगी? जी हाँ, केक की मिकदार ज्यादा होगी। हुक्स का कानून क्या होता है? हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्प्रिंग की हरकत पर रिस्टोरिंग फोर्स किस तरह असरअंदाज होती है? इक्वेशन में नेगेटिव इनामत का मतलब है कि स्प्रिंग की अमल करदा फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की सीमत के मुखालिफ होती है, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स की सीमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए इसे बाज़ोकात रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑसिलेटरी मोशन पर अमल पैरा जिस्म को उसकी वस्ती पोजीशन की तरफ या उससे दूसरी तरफ धकेलती है। वीडियो को देखने के बाद क्या आप स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस के टाइम पीरियड के फॉर्मूला को बयान कर सकते हैं? जी हाँ, फॉर्मूला ये है। T is equal to 2 pi m over k under root। आइए इस न्यूमेरिकल को हल करके x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जैसा कि हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम और उससे रिलेटेड फॉर्मूलास के बारे में पढ़ा है, आइए इन फॉर्मूलास को मजीद समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें स्प्रिंग कांस्टेंट और मैस की वैल्यू दी गई है और हमें टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, इसमें मास और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेट करते हैं। जी हाँ, सही जवाब, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.3142 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उलट होती है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी बराबर है 3.183 हर्ट्ज के। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, वो है ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई एफ। कैलकुलेट करने के बाद ओमेगा इज इक्वल टू 20 रेडियम पर सेकेंड के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इन न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे होंगे। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इस सवाल में हमें फोर्स, मास और डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स की वैल्यू बताई गई है। आर हमें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं f इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स के। वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करें। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1428.6 न्यूटन पर मीटर। फ्रीक्वेंसी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी कैलकुलेट की है, बच्चों इसको अपनी नोटबुक पर हल करें। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8.51 हर्ट्ज। आइए सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और मिसाल को देखते हैं, पॉल और बाउल सिस्टम। आइए इस मोशन को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। बॉल एंड बाउल को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेंडुलम की बॉल भी इसी तरह हरकत करेगा। सबसे पहले हम बॉल सेंटर पर प्लेस करेंगे और इसको न्यू पोजीशन पर लेकर जाएंगे, तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से सेंटर पोजीशन पर वापस आएगा और इनर्शिया की वजह से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से सेंटर पे वापस आएगा। बॉल अपनी ऑसिलेशन को दोहराता रहेगा जब तक उसकी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से जाया नहीं हो जाती। एग्जाम्पल ऑफ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रिंसिपल के तहत वर्क करती है। क्या आप जानते हैं जब बॉल वस्ती पोजीशन यानी बॉल के सेंटर में पड़ा है, इस पर अमल करने वाली नेट फोर्स जीरो है और बॉल मोशन नहीं करता। इस वक्त बॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जब बॉल को पोजीशन ए पर लाकर छोड़ दिया जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉल के सेंटर यानी पोजीशन ओ की तरफ मूव करता है। पोजीशन ओ पर स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये पोजीशन बी की तरफ मूव करता है। आर फिर दोबारा बॉल पोजीशन ओ और ए की तरफ मूव करता है। बॉल पोजीशन ओ के इर्द गिर्द तब तक अपनी मोशन को दोहराता है
जब तक इसकी एनर्जी जाया नहीं हो जाती। लिहाजा बॉल में पड़े हुए बॉल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है। क्या आप जानते हैं कि कौन सी फोर्स बयान किए गए सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर अमल करती है? जी हाँ, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर अमल करती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।